हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे का प्राइवेट पार्ट एक बार आपने ओपन कर दिया था उसके बाद फिर से बंद हो गया है, या फिर अगर आप ध्यान नहीं देंगी तो वो दोबारा बंद हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपके बच्चे का प्राइवेट पार्ट जो वो बंद ना हो, और अगर आपने ओपन कर दिया है तो वो अच्छे से ओपन ही रहे। तो कुछ टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, प्लीज़ ध्यान से वीडियो देखिएगा क्योंकि ये टिप्स आपके लिए शायद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, जब बच्चे को आप नहलाएं तो बच्चे के प्राइवेट पार्ट को ज़रूर साफ करें। आपको प्राइवेट पार्ट ओपन करके बस क्या करना है, उस पर पानी डालकर अच्छे से साफ कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आप न्यू मदर हैं और इस तरीके से नहलाने में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, आपको दिक्कत हो रही है, उसे नहीं नहला पा रहे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, वो आपके बच्चे को पकड़ ले और जो उसके प्राइवेट पार्ट है उसकी फोर स्किन को धीरे धीरे नीचे करें। और आप क्या करें, मग में पानी लेके अपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर धीरे धार की तरह एक डालें, तो उसकी जो प्राइवेट पार्ट होगा वो धीरे धीरे ओपन होने लगेगा। इस तरीके से अगर आप डेली करेंगे तो वो ईजली ओपन हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, ये एक बेस्ट तरीका है जो आप अपने बच्चे पर अप्लाई कर सकती हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को इजी वे में ओपन भी कर सकती हैं। फ्रेंड्स, जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसकी डेली और रेगुलर मसाज करती हैं। मसाज करते टाइम ही आप क्या करें, आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर एक बूंद ऑयल की लगाएं और इसके बाद में उसकी फोर स्किन को धीरे धीरे से नीचे करने की कोशिश करें, बट बहुत तेज ना करें, बस हल्के हाथों से। जो ये ऑयल होगा, ऑयल में आप जानते ही हैं कि इतनी चिकनाहट होती है कि कोई भी चीज़ होती है तो आसानी से ओपन हो जाती है। तो धीरे धीरे करें, फिर से आप ऊपर करें, फिर से नीचे करें। तो इस तरीके से अगर आप करेंगी और देखेंगी, इस तरीके से अगर आप रेगुलर बेस पे ये कर रही हैं तो बहुत जल्दी ही उसकी जो फोर स्किन है वो ओपन होने लगेगी और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही इरिटेशन की प्रॉब्लम होगी, ना ही कोई पेन होगा। और कई सारे बच्चे को ब्लडिंग आने लगती है, ब्लड आने लगता है, क्योंकि कई लोग होते हैं बहुत तेज़ से कर देते हैं, या फिर उसकी जो फोर स्किन होती है वहाँ पर जो रेडनेस सी हो जाती है। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होगी आपके बच्चे को, क्योंकि ऑयल जो होता है वो इतना चिकना होता है कि आसानी से आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट की जो स्किन होगी वो ओपन हो जाएगी, वो खुल जाएगी। फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट किया था किसी ने कि आप ऐसे मत बताया करिए, किसी को मिस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मत दिया करिए कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर ऑयलिंग करिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इंडिया में सालों से यही करते आ रहे हैं और कभी भी अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास नहीं गए। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैं कुछ भी इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचा रही हूँ। जो हमारे पूर्वज, जो हमारे बड़े करते आए हैं, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आज तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, अगर प्रॉब्लम हुई होती तो ये नुस्खा मैं आपको कभी नहीं बताती। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर ऑयलिंग करें तो एक बूंद ऑयल डालें, इसके बाद में उसकी फोर स्किन को धीरे से नीचे करें। इस तरीके से नहीं करना है कि उसको पेन हो, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। और जो आप जब भी इस तरीके का प्रोसेस अपनाएं तो आप अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लें, हाइजीन का बिल्कुल ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपके हाथ गंदे होंगे तो उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अच्छे से अपने हाथों को साफ करने के बाद में दिन में 2 से 3 बार इस तरीके का प्रोसेस आप अपनाएं, आपके बच्चे की फोर स्किन जल्दी ही खुल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेवल के टाइम या फिर घर में ज़्यादा काम होने की वजह से आप मसाज नहीं कर पाती हैं बच्चे की,
तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बच्चे को दूसरे दिन आप उसके प्राइवेट पार्ट्स को ओपन करके उसमें ऑयल लगा दें, यानी कि एक दिन गैप में भी अगर आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट की सफाई करती हैं, बच्चे को नहलाते टाइम उसको साफ करती हैं और फिर बाद में ऑयल लगा देती हैं, तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजिली ओपन हो जाएगा। बट अगर आपने ये 15 से 20 दिन ध्यान नहीं दिया तो आपके बच्चे का प्राइवेट पार्ट सिर्फ इतने ही दिन में बंद हो जाएगा और आपको उसे खोलने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसका जो स्किन है वो टाइट होती जाती है और टाइट स्किन जब ओपन करने की कोशिश करेंगी तो उसमें ब्लड भी आ सकता है या फिर आ ही जाए अगर आप उसको थोड़ा सा तेज से ओपन करने की कोशिश करें। इसलिए आपको ध्यान रखना है उसकी साफ सफाई का, उसके प्राइवेट पार्ट को जरूर साफ करें और डेली साफ करें। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और इन्फॉर्मेटिव लगा हो ये वीडियो तो प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।